नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताने वाला हूं पॉलीथीन कैरी बैग्स, मतलब कि जो प्लास्टिक के आप बैग्स कैरी करते हो या झिल्लियां जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो सारी चीजों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। लोगों के मन में ये सवाल होता कि पॉलीथीन कैरी बैग्स का हम यूज करें या ना करें। गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा 25 स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज इंडिया में पॉलीथीन कैरी बैग्स को बैन कर रखा है उन्होंने। तो हम जान लेते किन पॉलीथीन कैरी बैग्स को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो पॉलीथीन कैरी बैग्स जिनकी थिकनेस 50 माइक्रोन से कम है, मतलब कि जो हल्की वाली पॉलीथीन होती है, जैसे आप ये देखिए ये पॉलीथीन है, तो ये पॉलीथीन जो है ये 50 माइक्रोन से कम है, तो गवर्नमेंट ने बैन किया है वो पॉलीथीन जो 50 माइक्रोन से कम है। कुछ कुछ स्टेटों में इसका मार्जिन माइक्रोन का चेंज हो जाता है, 30 to 35 इसकी थिकनेस पे भी बैन किया गया है या तो उसकी डायमेंशन रखी। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा कि पॉलीथीन बैग्स कैसे हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए क्यों हम इन प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ना करें तो अच्छा है। जैसे कि इट पल्यूट्स लैंड एंड वाटर। सबसे पहला, ये ज़मीन को भी और पानी को, दोनों को पल्यूट करता है। ज़मीन को कैसे? जब प्लास्टिक एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो ये उस जगह की सॉइल को भी ख़राब कर देता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर देता है। वाटर में क्या होता है कि अब ये पॉलीथीन बड़ी हल्की होती तो ये हवा में ही उड़ के ये समुद्र में चली जाती, नदियों में चली जाती, या हम जो उसे डिपॉजिट करते हैं वहाँ से भी डिस्पोज होके नदियाँ या समुद्र में पहुँच जाती। तो यहाँ पे पहुँचने पे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ को भी ये अफेक्ट करती, पानी के रहने वाले जीवों को भी अफेक्ट करती। क्या होता है कि पानी में जो जानवर होते हैं या मछलियाँ हैं या कुछ और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उसे खा लेते हैं। जब पॉलीथीन को वो खा लेंगे तो उनके पेट के अंदर जाके वो बैठ जाती, तो उससे क्या होता है कि उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स होंगी, उनके ना ऑक्सीजन ले पाएंगे वो, और स्टारवेशन के कारण, मतलब भूखमरी के कारण, भूख के कारण वो उनकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं आगे, क्या होता है कि ज़मीन पे क्या होगा कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं हमारे, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि गाय, हमारी गाय क्या है कि हमने खाने को या कूड़े को जैसे भी पॉलीथीन में बंद किया और हम डायरेक्ट इसको फेंक देते हैं, क्या होता है कि गाय जाके उसी कूड़े को वो खा लेती, वहाँ पे वो खाना उसने पॉलीथीन सहित वो खा लेती, तो पॉलीथीन उसके पेट में जाता। अब प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि वो वहाँ पे गलता नहीं है, वो वहीं पे रह जाता, चिपका हुआ रह जाता, तो इससे क्या होता है जो गाय है हमारी उसको भूख नहीं लगेगी, उसको भूख कम लगेगी, तो उसको क्या होगा वो स्टारवेशन कारण उसकी भी मौत हो जाती है धीरे धीरे करके। तो हमें सावधान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें हम ऐसे डायरेक्ट डंप ना करें। और प्लास्टिक की जो एक सबसे खराब चीज़ है पॉलीथीन बैग की कि डिग्रेड नहीं होता, 500 से 1000 साल लग जाते हैं इसको डिग्रेड होने में, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो जहाँ पड़ा रहेगा वो वैसे ही पड़ा रह जाता, तो ये एक मेजर इशू था। हार्मफुल फॉर वाइल्ड लाइफ एंड मराइन लाइफ तो मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद CO2 एमिशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अब पॉलीथीन बैग्स को क्या करते हैं, हम जला देते हैं, जलाने से क्या होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। CO2 गैस से क्या होगा, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन की जो परत जमी होती है हमारे अर्थ पे उस पर छेद होने लगा धीरे धीरे करके, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सीधा इकट्ठा करते हैं कूड़े को और वहाँ पे माचिस डाल के जला देते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा CO2 गैस एमिट हो रही चारों तरफ। हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे हार्मफुल है, इसमें प्लास्टिक में क्या होता है कि दो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि पॉलीसाइक्लिक PCB कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक क्लोरीनेटेड बाइफिनल, और PAH पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये दोनों मिला के हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा कर देते हैं शरीर के अंदर। और क्या होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स खा लिए, जैसे मछली के अंदर चला गया वो प्लास्टिक, उसके बाद और भी जो उसके अंदर जान रहने वाली चीज़ें हैं उन पे, उनको हम खा लेते हैं, उनको हमने खा लिया तो वो हमारे अंदर भी आ जाएगा, जो कि बहुत ही हार्मफुल रहता है। नेक्स्ट है जो प्लास्टिक की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग को जब हम बनाते हैं तो
तो हम क्या करते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स, मतलब कि जो आपका फ्यूल वगैरह जो लगता है उसको बनाने में, पेट्रोल जितनी भी चीज़ें, वो नॉन रिन्यूएबल हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। तो ये भी एक मेजर इशू है, इसमें बहुत ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का हम यूज़ करते हैं इनको बनाने के लिए। तो दोस्तों, इन टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक्स का हम कैसे इस्तेमाल करें। प्लास्टिक को आप, जैसे आपने आपकी कैरी बैग है तो आप कैरी बैग को कई बार यूज़ करिए, मतलब इसको आप ले जाइए, सब्जियां ले रहे हैं एक बार तो दोबारा भी लेके जा सकते हैं, आप जहां भी जाएं तो जो 50 माइक्रोन के ऊपर है उनको आप अच्छे से यूज़ करें। और ध्यान रखें, जो काली वाली बैग आती है जिसमें आप फल वल लेके आते हैं, इनका इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें, ये सबसे रद्दी किस्म की प्लास्टिक कैरी बैग होती। पॉलीथीन कैरी बैग्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? पॉलीथीन कैरी बैग्स जो कि 50 माइक्रोन से ज़्यादा हैं, ये जैसे आप कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो ये पॉलीथीन बैग्स यूज़फुल होती हैं। इन पॉलीथीन बैग्स को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार सामान लेके आए, दोबारा आप जैसे सब्जी लेने भी गए या कुछ लेने गए तो आप इन टाइप की पॉलीथीन बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जूट बैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जूट बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, पेपर बैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बट पेपर बैग्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ना यूज़ करें, क्योंकि उससे भी हमारी रिसोर्सेस को हार्म होता है, जैसे कि आपके पेड़ वगैरह सब काफ़ी नुकसान होगा पेपर बैग से भी। तो पेपर बैग लेकिन लिमिटेड यूज़ करिए, आप कोई भी चीज़ आप यूज़ करिए लिमिटेड यूज़ करिए, मतलब उसको तुरंत फेंक मत दीजिए, उसको आप बार बार यूज़ करिए। आप जैसे सब्जी लेने जा रहे हैं तो आप जूट बैग लेके जाइए, आप जूट बैग से सब्जी वहाँ पर ले लीजिए। अब आइए आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट जैसे कि प्लास्टिक के CO2 एमिशन में, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भारत तीसरे स्थान पे है, सबसे ज़्यादा चाइना, फिर USA और फिर भारत। मतलब कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पॉलीथीन कैरी बैग्स को आप जलाइए मत, आप इसको जलाएंगे तो ये CO2 गैस एमिट करेगी, जिसके कारण ओजोन डिप्लेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और हम अपने एनवायरमेंट को और नुकसान पहुँचाएंगे। पॉलीथीन कैरी बैग्स को बंद तो बिल्कुल ना करिए। उसके अलावा आपको बताता हूं कि हमारे देश में सिक्किम पहला राज्य है जहां पे पॉलीथीन कैरी बैग को बैन किया गया। उसके अलावा महाराष्ट्र जो है वो ऐसा राज्य है जहां पे पूरी तरीके से 100% प्लास्टिक पॉलीथीन कैरी बैग्स बैन कर दिया गया है और उस पर काम भी चल रहा है। तो ये दोस्तों हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन पॉलीथीन बैग्स को सही जगह पे डंप करें, या डंप भी करते हैं, या उसको हम बार बार रिसाइकल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम उसको एक पॉलीथीन बैग को हम एक या दो या तीन बार यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी खास जिम्मेदारी है कि हमें प्लास्टिक बैग्स को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। सही ढंग से हम कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो वो हार्म नहीं करेगा, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस प्लास्टिक बैग को कहाँ पर डंप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद करनी है, गवर्नमेंट भी इसमें मदद कर रही है हमारी, और ये सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ेंगी, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो दोस्तों, प्लास्टिक बुरा नहीं है, मतलब कि प्लास्टिक की चीज़ें बुरी नहीं, क्योंकि हम उन चीज़ों को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से, लेकिन हम उन चीज़ों पे यूटिलाइज करेंगे, उसको हम सही तरीके से यूज़ करेंगे, उन प्लास्टिक्स का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे जो बार बार रिसाइकल करके हम यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा कर सकें और आपको सचेत कर सकें, आपको जानकारियां देते रहें प्लास्टिक के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। तो आप ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के नीचे लाल बटन को दबाइए, या हमारे लोगों को आप टच कर लीजिए, वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।